कि वो जब अगली बार हेमंत जी के निवेदन पर आपको अपने यहाँ चाय पे बुलाएंगे तो समय निवेदन है मेरा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से कि मुझे भी बुला लीजिएगा, क्योंकि मैं कभी एक पल भी, मैंने 22 साल दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग की है, वो हेमंत तिवारी जी ने रोज में सीखता हूँ, लेकिन केशव जी से निवेदन है कि मुझे भी बुला लेंगे, क्योंकि ये मेरी बिरादरी का मामला है और इस बिरादरी की बहुत सी समस्याएं कुछ मैं भी रखना चाहता हूँ। मेरी सरकार है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से जरूर पूछकर निराकरण करवाएंगे, लेकिन समय कम है, कहने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सोच के आया था कि अपने भाइयों से दो दो बातें करूँगा। पत्रकारों को केशव जी सबसे ज्यादा खतरा जहाँ आजीविका का है वही उनकी जान का भी है, वो जान पे खेल करके सच्चाई को जनता के सामने और सरकार के सामने आईना दिखाते हैं, उनके जीवन का भी भय होता है। और जनतंत्र को चलाने में जो पत्रकार की भूमिका है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद और सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद। ये मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया जाए, मैं अपने तमाम और सी के भाई हूँ। कलम दीजिए, कलम। अरे कहाँ रहे दीदी जी, श्रीधर अग्निहोत्री जी, जफर इरशाद जी और कार्यकारिणी के सदस्य श्री अभिषेक रंजन जी, श्री सुरेश यादव जी, श्री अलाउद्दीन जी, श्री संजोग वाल्टर जी, श्री अंकित श्रीवास्तव जी, श्री हरीश कांडपाल जी, श्रीमती दया बिष्ट जी, श्री अनिल सैनी जी को मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से जो पत्रकारों की समस्याएं हैं उनके समाधान का जो भी उपयुक्त रास्ता हो सकता है सरकार के साथ बातचीत करके निकालने में आप सफल हो, हम आपके साथ रहेंगे। मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष केवल भाई आपके पत्रकार बिरादरी के नहीं है, मैं भी आपके पत्रकार बिरादरी का, क्योंकि जब भी सार्वजनिक जीवन में मैं समझता हूँ कि सर्वाधिक संख्या ऐसी होगी अगर उसने अपने सार्वजनिक जीवन का रास्ता कहीं से प्रारंभ किया होगा तो मुझे लगता है कि यह पत्र और पत्रकारिता के माध्यम से, मैं पत्रों का वितरण भी करता था, पत्रों में जो संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी, जिनके बारे में मैं शायद समझता हूँ आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, हर पत्रकार उनके कार्य से, उनके योगदान से और उनके सामाजिक समरसता के आदरणीय हरिओम शर्मा जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार मित्र, मैं इतना आज आप सबको कहना जरूर चाहता हूँ, एक सृष्टि में हम लोग नारद जी का नाम लिया करते हैं, पहले पत्रकार जरूर कह सकता हूँ इस ज्ञापन के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उस पर निश्चित तौर से हम लोग विचार करेंगे, और जैसा कि हेमंत भाई ने पहले ही कह दिया है, मैंने मंच पर ही आमंत्रित किया है कि पूरी टीम के साथ एक दिन आप जब सुविधाजनक हो आप सबको आमंत्रित करता हूं, मेरे बाकी पत्रकार मित्र भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, सबको भी मैं किसी दिन ऐसा चाहता हूं आमंत्रित करूं, ये जल्दीबाजी वाला काम ठीक नहीं, जब सबसे मिला जाए, सबसे बैठा जाए, सबसे बातचीत किया जाए और जो समस्याएं आपने संकेत रूप में यहाँ बताने का प्रयास किया है उन समस्याओं को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेरी ओर से, मेरी सरकार की ओर से आपको अपेक्षाएं, जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने की दिशा में हम सरकार के स्तर पर विचार करके जो रास्ता निकल सकता है वो निकालने का जरूर प्रयास करेंगे। कोई पत्रकार साथी, मैं कोई अधिकृत घोषणा मुझे पहले से मालूम नहीं था, मैं चर्चा करके आता, मुझे यहाँ आने के बाद कई चीजें जानकारी में आई। हेमंत भाई कह रहे हैं जो छोटे अखबार, अखबार तो कोई छोटा होता नहीं,
पत्रकार भी कोई छोटा होता नहीं, अखबार भी सब बड़े हैं, पत्रकार भी सब बड़े हैं। और मैं सबके लिए यही कहना चाह रहा हूँ, जो समस्याएं जो चुनौतियां आपके सामने हैं उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और जो भी उपयुक्त रास्ता निकालने की व्यवस्था हो सकती है वो निकालने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जिस स्तर पर परामर्श करना होगा उसको परामर्श करके उसकी व्यवस्था करेंगे। और तनवीर जी जो हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, वो भी पत्रकार के रूप में आप सबके साथ लंबा कार्यकाल बिताए हैं, जिस दिन बैठेंगे मैं उनको भी सादर आमंत्रित करता हूँ, वह भी आवे, जो अन्य जो का प्रयास करते हैं। और आप जहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है आप वहाँ हमारा ध्यान ले जाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे माध्यम हैं, हम आपके माध्यम हैं, एक दूसरे के पूरक यह रथ समाज के विकास के लिए तभी तेजी से आगे बढ़ सकता है। समस्या भी है, समाधान भी है, कुछ भी मैं ये मानता हूँ असंभव नहीं होता है। जो भी आज चुनौतियां हैं उनका रास्ता निकाल करके निश्चित तौर से हम आप सबके साथ बैठेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। और पत्रकार साथी मेरे, छायाकार मित्र मेरे, मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की व्यस्तता होती है, पत्रकार के रूप में, छायाकार के रूप में, उससे थोड़ी ज्यादा व्यस्तता मेरे पत्रकार और छायाकार मित्रों की भी होती है, समझ गए हैं। आज पुनः मैं पूरी जो टीम नई आपकी गठित हुई है, जो एक वर्ष का कार्यकाल है, दो वर्ष का जो कार्यकाल है, इस दो वर्ष में मुझे लगता है कि जो समस्याएं लेकर के अभी मुझे ज्ञापन दिया गया है, अगली कमेटी आने से पहले मुझे पूरा विश्वास है या ज्ञापन में जो मांगे हैं वह हम लोग पूर्ण करने में सफल होंगे। इतना ही कहकर के आप सबको बहुत बहुत नमन करता हुआ, बधाई देता हुआ, और मेरी ओर से मैं इतना ही कहूँगा कि पूरी टीम को कहूँगा, पूरी नई कमेटी को कहूँगा, चाहे मैं और निश्चित तौर से भविष्य में भी रहेगा अध्यक्ष के रूप में, मैंने जो कार्यकाल रहा है उसमें आप सबका लगातार जो सहयोग रहा और जो बहुत ऐतिहासिक है। उप मुख्यमंत्री जी जो विद्यमान है वो प्रख्यात शिक्षाविद जगदीश गांधी जी को उनके कार्यों के लिए सम्मान प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे बीच में प्रेस क्लब में दैनिक आज अखबार के ब्यूरो चीफ सुरेश यादव जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। वो कार्यकारिणी का चुनाव जीत कर, सदस्य का चुनाव जीत कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे पूरे किस तरह से उन्होंने चुनाव को जीता और वो अपने पत्रकार भाइयों के लिए क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले तो अपने पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने अपना अमूल्य बल देकर एक ऊर्जावान कमेटी को बनाया है। ये ऊर्जावान कमेटी के सब सामूहिक दायित्व है कि जो अपने पत्रकार साथियों के साथ जो चुनौतियां हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग करते समय, चाहे डेस्क में काम करते समय, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हों, उनके सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोगों का एक सम्मान समारोह हुआ है। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए, उनके सामने भी समस्याओं को सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाला गया है। हम लोग सरकार के पास जाएंगे कि जो पत्रकारों के सामने जो संकट है, चाहे वो छोटे लोग हों, चाहे वो बड़े लोग हों, सब लोग एक सामूहिक टीम के साथ हम सभी पत्रकारों की समस्याओं का। सर एक छोटा सवाल, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है, जो नौजवान युवा आ रहे हैं पत्रकार के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आ रहे हैं, जो मान्यता आप किस तरह से काम, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है, हम उन पत्रकारों को मान्यता प्राप्त पत्रकारों की भांति सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये मेरी कमेटी में चर्चा हो चुकी है। जो डेस्क पर काम करने वाले लोग हैं, श्रमजीवी पत्रकार हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जोरदार तरीके से किया जाएगा। पत्रकार तो पत्रकार होता है, मान्यता वो जिले की भी पाएगा, फिर राज्य मुख्यालय भी पाएगा, लेकिन पत्रकार पत्रकार है, उसके सामने भी चुनौतियां हैं। हम चाहे वो पेंशन की समस्या हो, चाहे और भी कोई समस्या हो, चाहे वो डेथ क्लेम हो, जो तमाम और आवास की सुविधाएं हैं, उनके आने जाने की परिवहन की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाओं को हम लोग ये चाहेंगे कि कमेटी पूरा प्रयास करे और हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे बहुत जल्दी ही मिल करके। ठीक है, हमें जो वर्तमान में पत्रकारिता है क्या चुनौतियां हैं, क्या उसे आप किस तरह से उस पर निपटेंगे? चुनौतियां क्या है? चुनौतियां हैं, पत्रकार सड़क पर फिरता है, सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। हमारी प्रायोरिटी यही है, पहली मांग है कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। उससे ज़्यादा बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, मैंने जैसा कहा कि हमारे लिए कष्टकाल है। कष्टकाल इसलिए है कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में
जो छोटे अखबार हैं उनसे जुड़े पत्रकार हैं और मीडियाकर्मी हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल सामने आ गया है, उनकी आजीविका पर संकट है, उनके अस्तित्व पर संकट है। हम बहुत शीर्ष प्राथमिकता पर इस बात को सरकार के सामने रखेंगे और अभी आपके सामने ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा है कि समस्याएं जेन्युइन है और रास्ता निकालेंगे। वार्ता के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। सर, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है सरकार उन्हीं को खाली पत्रकार मानती है और जो नए युवा पत्रकार आ रहे जिनकी मान्यता नहीं है वो उनको किस तरह से आप नए पत्रकार सब बराबर होते हैं लेकिन काम करने की स्थितियाँ विभिन्न होती है। मान्यता मात्र इसलिए दी जाती है कि आपको कुछ विशिष्ट स्थान पर रिपोर्टिंग करनी है, आपको वहाँ दिक्कत सहूलियत न हो। सबके काम अलग अलग मीडिया में होते हैं, गैर मान्यता और मान्यता प्राप्त का कोई झगड़ा कोई झंझट कोई विभेद नहीं है। लेकिन चूंकि मान्यता प्राप्त पत्रकार दूसरी दशाओं में काम करते हैं, उनको अलग स्थितियों में काम करना पड़ता है, सचिवालय में मंत्रियों के साथ, सरकार के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करना पड़ता है, इसलिए उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं। फैसिलिटीज नहीं है, यही हमारी मांग है। लेकिन जो गैर पत्रकार हैं या जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनकी भी लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। आज यूपी प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार संवाददाता समिति का अभिनंदन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, इसमें कि अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने बताया कि वो अपने स्तर से अब वो अध्यक्ष चुने गए हैं, इसके तो वो पत्रकारों की लड़ाई लड़ेंगे और जो कमियां हैं जो खामियां हैं पत्रकारों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही उनको वो कहीं दिलाएंगे और जो नए युवा पत्रकार हैं उनका वो तन मन धन से साथ देंगे। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़ लखनऊ।